तो ये वीडियो मैंने एक महीने में शूट किया था। एक महीने में क्यों किया, क्योंकि मैं जॉब वाला बंदा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। मैं हेलो वेलकम नमस्कार आप सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान मेडी व्लॉग्स। तो आज की भी कार्रवाई कुछ अजीब तरीके से ही शुरू करेंगे। आज की भी वीडियो उसी पे होने वाली है, टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर्स। बट आज इसमें मैं कुछ अलग एक्सप्लेन करूंगा, कुछ अलग बातें करूंगा। कुछ ऐसे बहुत महान 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 टिकटॉकर्स हैं जो कुछ ऐसी बातें बोल दिए हैं जो उन्हें बगैर सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसी बातें बोल दिया उन्होंने जो नहीं बोलना चाहिए था। तो उसके ऊपर हम आज रिप्लाई करते हुए कहेंगे जो हमें कहना है, क्योंकि ये बता देना उन्हें बहुत ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हो हर चीज़ सही नहीं है। आप बहुत गलत हो, आप बहुत सही नहीं हो, आप बहुत गलत, मैं यही कहूँ बहुत गलत हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। आपकी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी अभी, मैंने एलविस यादव का वीडियो देखा, उसमें आपका मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुना और आपने कॉल रिकॉर्ड में आपको सक्सेस लगता है कुछ ज्यादा ही सर चढ़ के बोल रहा है। इतना नहीं सर चढ़ना चाहिए, मतलब ज्यादा ही घमंड आ गया आपको। मैं किसी के सपोर्ट में खड़ा नहीं हूँ, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी मैंने उसके हिसाब से मुझे कुछ बातें बोलनी है आपको। अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है कि नहीं पहुंचेगा, मगर मुझे बोल देना जरूरी है, क्योंकि आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपको प्यार करते, जो आपके फैंस हैं, वो मेरा वीडियो जरूर देख रहे होंगे, तो उन लोगों को कुछ बातें पता होनी बहुत जरूरी है इसके रिकॉर्डिंग में। तो मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, मगर मैं बना रहा हूँ किसी रीज़न की वजह से, और कुछ बातें आपने ऐसी बोल दी हैं। तो पहले बता दूँ कि आमिर सिद्दीकी साहब जो हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पे आकर के उन्होंने स्टोरी डाल करके अपनी तरफ से उन्होंने माफ़ी मांग लिया इस चीज़ के बारे में, टिकटॉकर वर्सेज यूट्यूबर के ड्रामे ख़त्म करते हुए। और उन्होंने बोला कि मेरे वैसे किसी रिलीजन में किसी में दरार नहीं, कोई बड़ा या छोटा नहीं। तो उन्होंने इस तरीके से माफ़ी मांगते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दिया और उन्होंने अपनी तरफ से खेल ख़त्म कर दिया। एलविस यादव का वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है उसमें कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोल दिया है कि मुझे लगा कि उसमें मुझे बताना चाहिए। और मैं सोहू हैं, एक टिकटॉकर हैं, टीम 07 के तरफ से ही है, वो काफ़ी अच्छे क्रिएटर हैं, काफ़ी बेहतरीन क्रिएटर, उनको भी मुझे इस वीडियो में जवाब देना है। जो उन्होंने अपनी IGTV में उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बोल दिया था कि मुझे उस पर जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं भी टिकटॉक पर वीडियो बनाता हूँ, मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दिया कि मुझे वो चुभ गई है और वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है उस पर। और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो अदनान 07 और आमिर सिद्दीकी के बीच में है, जो शायद स्वाइप अप, मुझे वो नहीं पता, कंफर्म नहीं पता कि स्वाइप अप ऑप्शन डाला गया था किसी के इंस्टाग्राम पे, बट एलविस यादव ने ऐसा बोला है कि स्वाइप अप ऑप्शन डाला गया था, स्वाइप अप, तो मुझे क्लियर नहीं पता भाई डाला है कि नहीं डाला, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बट मुझे वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिली तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। और जो टिकटॉक एक और हैं टिकटॉकर सोहू, उन पर भी जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी क्रिएटर हूँ, मुझे भी बात बहुत चुभी है कि मेरा वीडियो डाला मैंने फर्स्ट टाइम, 0 सब्सक्राइबर। और आगे बात करता हूँ इस पर। जो सबसे पहली चीज़ है कि आमिर सिद्दीकी कितना उड़ा देता है, कितना खर्च कर देता है, ये उन लोग को क्या मालूम होगा, ऐसा मैंने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जनता ने बनाया है, आप जनता के वैसे फेमस हो, आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी बराबरी वो नहीं कर सकते, बराबरी में बैठ नहीं सकता आप। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स, मतलब कि फ़ैन फॉलोइंग दोनों एक ही होता है, YouTube पे भी और TikTok पे सेम होता है फैन फॉलोइंग, लेकिन यूट्यूबर्स जो हैं वो उनका फैन फॉलोइंग मिलने का अलग तरीका है, और आप टिकटॉकर्स हो उन लोग का मिलने का तरीका मुझे बहुत घटिया लगा, बहुत घटिया, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। मैं यूट्यूबर्स से काफ़ी मिला हूँ, टिकटॉकर से तो हाँ मिला हूँ, रोबिन नाम था उनका, उनसे मिला हूँ, वो भी लाजपत नगर के KTM शोरूम में मिले थे हम दोनों, मिला उनसे, ईगो नहीं था, फोटो वोटो क्लिक किया हमने, वीडियो भी बनाया, एक वीडियो बनाया था हमने उसमें, तो मैं इतना उस टाइम पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे मैं नर्वस रहता था, तो उस टाइम पे हम मिले थे, बनाया था मैंने। बट आप लोग का मिलने का तरीका, मैं सबको नहीं बोल रहा, सबको टिकटॉकर्स को नहीं बोल रहा हूँ, जो ऐसा घमंड रख रहे हैं अपने अंदर उनको बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग का मिलने का तरीका है, पासिस लो, इवेंट में आओ, ये करो वो करो तब मिलूंगा भाई, ऐसा मैंने सुनने को मिला है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग का जो फैन फॉलोइंग को मिलने का तरीका है, जो फैन लोग से मिलने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग है। आप फैन लोग से जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो पाते हो, मतलब कनेक्ट नहीं हो पाते हो, बस हाँ वीडियो देखी अच्छी है, बस यही सब है। और मैं यही सब बोलना था इस बारे में, लेकिन और एक बात मुझे सुनाई में आया कि हम स्टेट घूम के बैठे हुए हैं, हम यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, हम लोग के साथ एक दिन घूम लिया तो हम लोग घूमने के लायक नहीं है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई, किसी को भी, चाहे वो आप किसी को भी हेट करते हो, आप किसी को भी वो करते हो, आप उनके वजह से, जनता की वजह से बने हो, मतलब पब्लिक के वजह से बने हो, तो आप किसी भी भाई, वो भी पब्लिक में आता है, एलविस यादव भी पब्लिक में आता है, अगर वो आपकी वीडियो देख रहा है, आपको लाइक कर रहा है, आपको शेयर कर रहा है, आपको पर कुछ भी रिएक्ट कर रहा है,
आपके फैन फॉलोइंग में वो भी आता है, तो आप उसको नहीं बोल सकते कि मेरे खड़े होने के बराबरी में नहीं है, मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, तुम लोग को क्या मालूम हम कितना फेमस। तो आपके अंदर बिल्कुल ईगो आ चुका है, भर भर के घमंड आ चुका है और आप घमंड की ऊंचाइयों में है, तो भाई अल्लाह का खौफ कीजिए, बहुत जल्दी नीचे गिर जाएंगे। रमजान का महीना है, सच बोलिए जो बोलना है, झूठ मत बोलिए और खुदा से डरिए। इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग मिली है आपको, उसका कदर कीजिए और यही बोलना है मुझे कि बस उसकी कदर कीजिए, इज्जत कीजिए जो भी आपको बोल रहा है। भाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप रिएक्ट क्यों करते हो हर चीज में? सलमान खान पे रोस्ट बनते हैं, शाहरुख खान पे रोस्ट बनते हैं, आमिर खान पे रोस्ट बनते हैं, वो सब तो सामने से आके कभी रिएक्ट करते नहीं है। और आप भाई अल्लाह का शुक्र करो कि आपको इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग मिली है, तो उसको ना देखो और सबर करो कि यार चल मेरे बारे में बात कर रहा है, मतलब मैं फेमस हूँ इसलिए मेरे तो रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए, आप जैसे हैं नॉर्मल वैसे रहिए, लेकिन आपकी घमंड है वो आपको रिएक्ट करने पे मजबूर कर दे रहा है। तो मैं आपको दिल से लाइक करता हूँ, नो हेट, मैं आपको इंस्टा पे टिकटॉक पे सब जगह फॉलो कर रखा है, ऐसी नहीं कि मैं फॉलो नहीं कर रखा, मैं आपको देखता हूँ, आपसे सीखता हूँ, बट अच्छी चीजें, जो आपकी बुरी चीजें हैं वो कभी नहीं सीखता, मैं अच्छी चीजें सीखता हूँ। तो मुझे यही बोलना था, आपके अंदर घमंड आ चुका है तो उसको प्लीज साइड कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, मैं एक फैन हूँ आपका बस, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर ईगो आ चुका है, तो प्लीज इसको मत लाइए बीच में, क्योंकि आप अगर ईगो आ गया तो अल्लाह ज्यादा दिन कामयाबी देता नहीं है, अगर कामयाबी देता है तो वो छीन भी लेता है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसी आप बातें बोलते हो वैसा ना बोला करें, और रमजान का महीना चल रहा है, मेरी तरफ से आपको रमजान मुबारक, और ये सी बातें ना की जा कीजिए जो आप करते हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने आपकी बहुत गलत बातें सुनी। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग किसी को नहीं सुनाने वाला हूं, मैं वीडियो क्लिप में कहीं नहीं दूंगा कॉल रिकॉर्डिंग, मुझे जो लगा वो मैं बोल दिया हूं, आपको जो लगे कि हाँ सही बोल रहा है गलत बोल रहा है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने जो सुना वो मैंने बोल दिया है इस वीडियो में। और अब बात करूंगा मैं साहो, मतलब उनका मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता, सॉरी गाइस अगर मैं गलत बोल रहा हूं। तो उन्होंने अपनी IGTV पे एक बात बोली थी कि मैंने भी सॉन्ग बनाया था, खुद डायरेक्ट किया, खुद ही लिखा, खुद ही एडिट तो नहीं बोला, पता नहीं मुझे, हाँ मगर खुद ही सब कुछ उन्होंने किया था। उसमें उन्होंने बोला मेरा भाई तू मेरा यार, मतलब ये गाना बहुत अच्छा उनका, दिल से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा उनका गाना है ये। और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने एक चीज बोला कि मैंने भी टिकटॉक पे वीडियो अपलोड किया, जीरो सब्सक्राइबर और आज के टाइम पे वो 22 मिलियन, उन्होंने बोला 22 मिलियन उसके व्यूज है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने वो गाना बनाया, खुद ही डायरेक्ट किया, खुद ही सब कुछ किया और वो आज 22 मिलियन व्यूज में है, मतलब काफी अच्छे व्यूज है। अब मैं एक चीज यहाँ पे ये बोलूंगा कि मैं भी वीडियो बनाया हूँ, मेरा खुद का सॉन्ग नहीं है उसमें, मैंने शूट द ऑर्डर में वीडियो बनाया था, आप मेरा थोड़ा सा क्लिप देख लो यहाँ। तो ये वीडियो मैंने एक महीने में शूट किया था, एक महीने में क्यों किया, क्योंकि मैं जॉब वाला बंदा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, मैं काम भी करता हूँ ऊपर से वीडियोस भी बनाता हूँ, तो इसलिए मुझे एक महीना लगे। और एक महीने तक मैंने अपने उस कैरेक्टर को रखा था कि भाई मुझे ये शूट जब तक, ये कैरेक्टर जब तक नहीं हटाना जब तक मैं शूट खत्म नहीं कर लेता। मैंने भी मेहनत किया बट मेरे व्यूज़ नहीं आए। 100 में अटक गए, 100-120 शायद आए होंगे, अभी तक मैंने उसको खोल के नहीं देखा, मैंने 100 पे शायद देखा था, तो इतने ही आए। तो क्या मैंने मेहनत नहीं किया? मेरे भी 0 सब्सक्राइबर कुछ नहीं है अभी मेरे, तो मैंने मेहनत नहीं किया? मैं भी तो बोल सकता हूँ कि मैं भी ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन क्यों बोलना भाई, आपने मेहनत की, आपको पता है हर चीज़, लेकिन आपको तो नहीं बोला गया इस वीडियो में कि आप ऐसे हो वैसे हो ये हो वो हो, तो आप क्यों नहीं, आप बस भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं ये बात लाया हूँ आपका, मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़, बस मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, मगर मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं ये चीज़ लाया हूँ इसमें, मुझे अच्छा नहीं लगा बस, बहुत इसमें ख़राब लगा मुझे वर्ड, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना कर बोल रहा हूँ ये चीज़ बस। और बाकी आपकी सही है जो भी है, बढ़िया है। और एक चीज़, मैं व्लॉग बनाता हूँ तो जब तक लॉकडाउन है तब तक ऐसी ही कंट्रोवर्सी के मज़े लो, क्योंकि कंट्रोवर्सी और भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम भी थोड़े बहुत वीडियोस बना ले, एक्सपोजेस और भी काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी जिसमें हुई उसकी वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा बहुत रोस्टिंग कर लेते हैं, अच्छी रोस्टिंग, हेल्दी रोस्टिंग, नो गाली ग्लोज। भाई जो गाली ग्लोज करते हैं उनके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्यों गाली देते हो यार, थोड़ा अच्छा है हेल्दी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। खैर मैं तो कुछ होता नहीं बोलने वाला, जब गाली नहीं दोगे तो फिर रोस्टिंग का मज़ा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम लेकर के, ज़्यादा नहीं कम लेकर के, मैं ये बोलना है बस मुझे। तो हम भी कूदेंगे इसमें, अब पता नहीं, बोलता तो हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, तो हो सकता हो कि वीडियो आए भी ना भी आए, मगर कूद जाएंगे जरूर। और सबसे पहले सॉरी गाइस अगर मेरी बातें किसी को कुछ समझ में नहीं आई हो, तो क्योंकि मुझे जो दिल में था वो मैंने अपनी भड़ास निकाल दी है, मतलब जो मेरे दिल में जो बातें थी वो मैंने बता दिया है, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल की बातें थी, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करता, किसी को समझा नहीं जाता, जो मेरे दिल की बात थी वो मैं अपने आप को बोल रहा था, मतलब कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, और जिसको मेरी दिल की बात समझ में आती है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आती है दिल में ना रखे, इग्नोर इट और जियो मस्त लाइफ में, बस यही बोलना है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।